हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चाल। आज मैं आपके लिए फिर से 10 वर्ड लेके आ गया हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं डेली आपके लिए 10-10 वर्ड लेके आऊँगा। मैंने शुरुआत में 4-5 लेक्चर दिए थे 5 वर्ड के, फिर 10, फिर 20, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप अपनी एपेटाइट को बढ़ाएंगे वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी समझ लीजिए। तो वोकैबुलरी सेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड वोकैबुलरी किसी एक दिन में नहीं आती है, लैंग्वेज कभी एक दिन में नहीं आती है। लैंग्वेज को आने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए और उसके बाद उसको कमांड करने के लिए 1 साल। ठीक है, चलिए तो वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड हमारे पास है डिक्राय। डिक्राय का मतलब होता है दोष देना, है कि नहीं? डिक्राय का मतलब क्या होता है? दोष देना। तो जैसे इसका यूसेज क्या है, ही इज इम्पेशेंट विद दोज हु डिक्राय द स्कीम। मतलब कि वो इम्पेशेंट होता है, ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाता है जो स्कीम को डिक्राय करते हैं, मतलब स्कीम के अगेंस्ट स्कीम को दोष देते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? क्राई, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्राई, है कि नहीं? तो क्राई वर्ड क्या होता है? जब आप रोते हो, है कि नहीं? तो क्राई आप कब करोगे? जब आप किसी को दोष दोगे। होता नहीं, रोते वक्त हम लोग क्या करते हैं? अरे गलती इसकी थी। रोते वक्त बच्चे क्या करते हैं? गलती इसकी थी, इसलिए वो लोग दोष उस पर डाल देते हैं। ठीक है, तो डिक्राई को याद करने का तरीका ये हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डोल। डोल का मतलब होता है लाभ हिंदी में, लेकिन एक्चुअल में मतलब ये होता है कि बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड। मतलब एक तरह का अलाउंस होता है, चैरिटी होता है, बेनिफिट होता है। मतलब ये एक तरह का लाभ तो होता है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता, ये एक तरह का चैरिटी होता है, अलाउंस होता है। जैसे मान लो मुलायम सिंह यादव बेरोजगारी भत्ता देते थे 1000 रुपये अनएम्प्लॉयड लोगों को, देते थे ना, उत्तर प्रदेश में देते थे, बाकी स्टेट्स का नहीं पता। ठीक है, तो अगर 1000 रुपए देते थे तो वो 1000 रुपए क्या हुआ? एक तरह के लिए अनएम्प्लॉयड लोग के लिए बेनिफिट हो गया। लेकिन अब इसको याद कैसे करोगे? तो याद करने का तरीका थोड़ा सा फनी है। डोल में एक तुम लोगों ने गाना सुना होगा, डोला रे मन डोला रे, सुना है कि नहीं सुना? तो वो जो गाना है, अब आप ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आपको कोई पैसे दे देगा और आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपका मन डोलेगा, लेकिन तो ऐसे याद कर सकते हो। भाई देखो, याद करने का तरीका है, अब तुम्हें शायद थोड़ा सुनने में अटपटा लगे, लेकिन अब क्या करें, हमें तो याद करने से मतलब है, बस हमें कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज़ याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है फेटर। फेटर का मतलब क्या होता है? फेटर का मतलब होता है कन्फाइन करना और रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, द बजट क्राइसिस इज अ फेटर टू द सिटीज प्लान ऑफ फॉर रिपेयरिंग द हाईवेज। तो फेटर का जो मीनिंग है वो है किसी चीज को बांध देना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है, उसको बंद कर देना, तो उसको बोलते हैं फेटर। ठीक है, तो फेटर से एक साउंड आ रहा है शटर का, आप फेटर भी तो बंद करते हो ना, फेटर से किस चीज का साउंड आ रहा है? शटर। जब आप शटर को क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। तो कन्फाइन करना और रिस्ट्रिक्ट करना मतलब होता है फेटर का। नेक्स्ट वर्ड है पैरी। पैरी का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है, आंसर इविजिबली, मतलब अगर आप कोई चीज आंसर कर रहे हो और उसमें से कुछ बातें छिपा ले रहे हो, जैसे यूज देखिए, Before Mary walked away, she tried to parry Anne's insult with one of her own. ठीक है? तो I think आप लोग को ये parry का meaning clear हो गया। Parry का मतलब क्या होता है? बचाव। ठीक है? Next word है odious. Odious का मतलब होता है घिनौना, extremely unpleasant. ठीक है? इसका mnemonic आप लोग खुद बनाइएगा। अच्छा, पिछले बारे का नहीं बताया था parry का। Parry का हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अगर कोई परी है, परी गिर जाए तो हम बचाने के लिए आ जाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज है। तो हम लोग इसमें बीज बचाव करने वाले, जो बीज बचाव करते हैं, ठीक है, इवेड करते हैं, साइड स्टेप करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको पैरी बोलते हैं। ठीक है, पैरी का मतलब किसी को बचाना नहीं है, पैरी का मतलब होता है कि अवॉइड कर देना, डॉज कर देना, मतलब चकमा दे देना। ठीक है, उसका आंसर ही, जैसे कभी कभार किसी टीचर को आंसर नहीं आता तो वो क्या करता है? वो चुपके से उसका आंसर दूसरा बता देता है। नेक्स्ट, ओडियस बता दिया था। डिस्ट्रेट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड, एब्सेंट माइंडेड। तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रेट माने डिस्ट्रैक्टेड, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। नॉन पैरल का मतलब होता है हैविंग नो मैच और इक्वल, मतलब जिसके बराबर कोई ना हो, तो उसको नॉन पैरल बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? नॉन पैरल। नॉन पैरल का मतलब क्या हुआ? नॉन पैरल, जिसके पैरल कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसके इक्वल कुछ नहीं हो सकता। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, नॉन पैरल मतलब नॉन पैरल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फरागो। इसको शशि थरूर ने यूज किया था, फरागो और डिस्टॉर्शंस।
फरागो का मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, ठीक है, जो ऐसी चीज का मिक्सचर जो कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, फरागो में एक वर्ड आ रहा है फर्रा, अगर आप लोगों ने बचपन में चीटिंग करी होगी कभी स्कूल एग्जाम्स में तो वहां पर एक वर्ड आता है फर्रा। तो फर्रा क्या होता है, आप एग्जाम में चिट पेपर लेके जाते हो, जब आप एग्जाम में चिट पेपर लेके जाते हो, सपोज आप एग्जाम में चिट पेपर लेके गए लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सी चिट किसकी है, तो आप कंफ्यूज होगे कि नहीं होगे, आपके पास चिट्स का मिक्सचर होगा। तो फरागो का मतलब होता है कंफ्यूज्ड मिक्सचर, और इसको याद कैसे करेंगे, फरागो मतलब फर्रा, फर्रे कंफ्यूज हो गए आपस में, अब आप परेशान हो कि कौन सा किसका है। नेक्स्ट पेट्यूलेंस, पेट्यूलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिशली सल्की और बैड टेंपर्ड, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, पेटू, इसमें एक वर्ड आ रहा है पेटू, जो लोग पेटू होते हैं अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा जाएंगे। तो पेट्यूलेंस का मतलब क्या होता है, पेट्यूलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिशली सल्की और बैड टेंपर्ड। तो याद कैसे करेंगे, पेट्यूलेंस में एक वर्ड आ रहा है पेटू, पेटू अगर आप पेटू हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ ही जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है स्पर्न, SPURN, स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना किसी का, ठीक है, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, किसी चीज को तिरस्कार करना, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका आप लोग बनाइएगा, खुद से सोच के कुछ काम आप भी करिए। नेक्स्ट वर्ड है हैकल, हैकल का मतलब होता है सवालों से बात काटना, किसी चीज को बीच में इंटरप्ट कर देना, तो इंटरप्ट अ स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स, होता नहीं कभी कभार आपने देखा होगा कि ऐसे किसी को बीच में अगर रोकना होता है तो उसका मतलब रोकना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि आपको इंसल्ट करना। तो हैकल का मतलब होता है सवालों से बात काटना, लेकिन उसमें एक इंसल्टिंग टोन भी होता है, टू इंटरप्ट अ स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे तुम ये वर्ड पढ़ रहे हो ना, अगर तुमने इतना पढ़ा टू इंटरप्ट अ स्पीकर, ये गलत हो जाएगा, तुम पूरा पूरा पढ़ो टू इंटरप्ट अ स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स, ठीक है। तो हैकल में फिर हैकल को याद कैसे करेंगे, हैकल में एक वर्ड आ रहा है हैक, तो अगर आप किसी को हैक करते हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, हैकल कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको हैक कर रहे हो, और हैक कर रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, हैक करने का मतलब आप उसकी चीजों को काट रहे हो, ठीक है, उसका कनेक्शन काट रहे हो, उसको इंटरप्ट कर रहे हो। लास्ट वर्ड है शंट, शंट का मतलब होता है आगे धकेलना, ठीक है, शंट का मतलब क्या होता है, शंट आगे धकेलना, इसको याद कैसे करेंगे, अलग धकेलना, टू पुश और शोव समथिंग। It's unfortunate that our society tends to shunt older workers to retire before they are ready. मतलब हमारी society ये कहती है जो लोग older आदमी हैं उनको retire करवा लो। अच्छा shunt में याद कैसे करेंगे, shun, shun word आना है, shun मतलब shoo करना। देखो shunt में एक word आ रहा है shoo, तो आप लोग नहीं बोलते shoo shoo, कोई कुत्ता आ गया कुछ आ गया तो shoo shoo करते हो, उसको वो भगाते हो, तो push और shove something, ठीक है। चलो तो आई होप आप लोग को ये session पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जहां जहां जिस जिस ग्रुप में हो उस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करवा लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे उतना बढ़िया रहेगा। मैं डेली यहां पर एक वोकैब की वीडियो बनाकर डालता रहूंगा, मेरी वीडियोस देखते रहना, तुम लोग की वोकैब अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और कमेंट में अपने आप निमोनिक बना बना के डालना।